लखनऊ शूट आउट के बाद में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी अदालतों की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। इस समय मैं मौजूद हूँ गौतम बुद्ध नगर न्यायालय पे, जहाँ आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो जवान है वो यहाँ पर मुस्तैद कर दिए गए हैं। और जो यहाँ पर आप ये स्कैनर देख रहे हैं, यहाँ से स्कैन करके किसी को भी आने जाने दिया जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, ये मेटल डिटेक्टर यहाँ पे प्रॉपर लगे हुए हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से पास होने के बाद ही यहाँ से जो लोग हैं वो गुजर रहे हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पर स्कैनिंग मशीन लगी हुई है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी अदालत है और यहाँ पर काफ़ी जो बदमाश हैं, क्रिमिनल्स हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स, वो भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं। हमारे साथ में कुछ यहाँ के अधिवक्ता हैं, जो आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, ये अधिवक्ता हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर पहले आप बताइए सर कि आपका नाम क्या है? अमित कटारिया नाम है मेरा, एडवोकेट हूँ यहाँ पर। सर जिस तरीके से लखनऊ में हादसा हुआ है, वहाँ पर उसको लेकर के अधिवक्ताओं की जो यहाँ पे सुरक्षा है उसके क्या इंतजाम हैं, आप कैसा सोचते हैं? हमारे यहाँ पर पुलिस चौकी बनी हुई है, पूरी पीएससी की बटालियन है, पूरी फोर्स रहती है, हर गेट पर फोर्स रहती है और सभी की चेकिंग होकर अंदर आने दिया जाता है। इवन जो हेलमेट लेकर भी लोग भगाते हैं उन्हें भी लेकर नहीं आने दिया जाता है, ये इसका ध्यान रखते हैं इस सब चीज़ का। जो थैले बैग लेकर आते हैं उनको भी चेक करके तब एंट्री होती है अंदर कोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में तोंगड़ साहब हैं, जो यहाँ के पूर्व बार अध्यक्ष भी रहे। सर आप चुनाव भी लड़ते हैं, तो इस तरीके से जैसे ये हादसे हो रहे हैं कि ये पहला हादसा नहीं है कि जो लखनऊ में है, उससे पहले भी कई हादसे अदालतों में हुए हैं और ज़्यादातर जो क्रिमिनल्स हैं, अभी जो हाल फिलहाल की घटना है लखनऊ वाली, उसमें वकील के बेस में आया था। तो आप ऐसे में जब चुनाव लड़ते हैं तो क्या ये सुरक्षा आपका मुद्दा होता है और उसके लिए क्या क्या मतलब आपके पास प्लान होता है? देखिए सुरक्षा तो बड़ा महत्वपूर्ण इशू है कचहरी या कोर्ट परिसर का, क्योंकि यहाँ बहुत सारे वादकारी और वकील रोज़ाना आते हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं। हमारे चुनाव में भी ये मुद्दा रहता है कि भाई जो कोर्ट परिसर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए, और उसको लेकर के हम समय समय पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिलते रहते हैं और उसके नतीजतन कुछ परिवर्तन भी होते रहते हैं। जैसे कि अभी आप सामने देखेंगे जो मशीनें लगी हुई हैं, मेटल डिटेक्टर वगैरह हैं, पुलिस चौकी भी है, तो ये सारी वकीलों की डिमांड पर ही हुई हैं। तो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण इशू है, इसको हम चुनाव में मुद्दा रहता हमारे यहाँ, और ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि लोगों की जान बड़ी महत्वपूर्ण है, हज़ारों की संख्या में वकील हैं और वादकारी हैं। तो उसका नतीजा ये है कि चारों तरफ पुलिस तो रहती है, लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयत्न रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चेकिंग हो, कि जिससे एक कम से कम बाहर से आने वाले लोगों के मन में ये हो कि यहाँ किसी भी समय चेकिंग हो सकती है। तो उससे कम से कम जो घटना कारित करने वाला जो व्यक्ति है उस पर कुछ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हो और उससे उसे ना करे वो। बिल्कुल। सर आपका नाम क्या है? मुकेश सिसोदिया। सिसोदिया जी ये बताइए कि जैसे अभी ये घटना हुई है तो जो क्रिमिनल्स थे, जो क्रिमिनल आया था वो गोली मारने वाला, वो वकील के भेज में था, लेकिन ऐसे में कैसे मतलब पुलिस के लिए या सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बड़ी चुनौती है कि इतने वकील यहाँ पर आते हैं, कैसे चेक करना, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये मुद्दा तो समय समय पर उठता रहा है। यहाँ पे भी पहले एक अभियुक्त के जो कस्टडी में मुलजिम था उसे मारने के लिए आया था एक आदमी, वो हमारे वकील साथियों ने पकड़ कर ही पुलिस को दिया था। और अभी हापुड़ में भी कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना हुई थी। तो ये घटनाएं तो कचहरियों में होती रहती हैं, लेकिन उसको रोकने का एक ही प्रयास है कि भाई जो यहाँ पे एडवोकेट्स हैं, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, इनको आई कार्ड उपलब्ध कराए जाएं। और इस बात के लिए हम कई बार फोटो दे चुके हैं, वो कहीं ना कहीं धीमी गति से काम चल। ये 12 सेशन को कराना होगा आई कार्ड या फिर जुडिशली को, यहाँ के जो सिस्टम है? नहीं, 12 एसोसिएशन तो देखिए इशू कर ही चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी भी तो होनी चाहिए ना कि भाई आदमी की पहचान हो सके, तस्दीक हो सके। क्योंकि देखिए कहीं पे भी वकालत करने की रोक नहीं है, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊँ तो वहाँ भी वकालत कर सकता हूँ, तो वहाँ पे लेकिन ये है कि मुझे पास बनवाना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि मैं वकील हूँ और मैं वेरीफाई होके मेरी जाँच होके जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फुटफॉल इतना ज़्यादा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आप उसे करना बड़ा मुश्किल है, उसे संभालना बहुत मुश्किल है, और ये संभालना इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप अगर आप सुबह को अगर 10 बजे आप आएँ तो यहाँ मुश्किल से आपको 100 आदमी दिखाई देंगे, लेकिन अब 12 1 बजे आएँ तो यहाँ पे कम से कम हो सकता है 25-30 हज़ार आदमी इसी कंपाउंड में रहता है। तो इसके लिए यही है कि और भी ज़्यादा हम सुरक्षा करें। हो सकता है जो कोर्ट प्रिमिसेस है और जहाँ से मुलजिम लाए जाते हैं, मुलजिम ले जाए जाते हैं, सबसे बड़ी व्यवस्था जो है, दिक्कत जो है उन्हीं को लेके है, जो कस्टडी में मुलजिम मारने होते हैं, ये उन्हीं को टारगेट करते हैं, उन्हीं की व्यवस्था के लिए
पुलिस और ज़्यादा व्यवस्था करे, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही वकील मारे। बिल्कुल, जिस तरीके से जो गौतम बुद्ध नगर अदालत है, यहाँ पर बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल्स को यहाँ पर लाया जाता है, उनकी यहाँ पेशी है, उनके यहाँ पर मुकदमे चल रहे हैं और तारीखें चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जा सके। ग्रेटर नोएडा से मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24।